Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today I'll teach you class 11th English chapter Mother's Day written by J.B. Priestley. So this chapter is in a play format. यानी कि ये जो chapter है ये play के form में है. बहुत सारे dialogues and conversation है between a family. ठीक है. तो काफी interesting chapter है ये और इस chapter में हमें message मिल रहा है Mother's Day नाम सुनके आप समझ सकते हो that uh, something related to mothers. Yes. चैप्टर में सबसे अच्छा हमें मैसेज य दिया गया है दैट हमारी मदर जो होती हैं हमारे लिए बहुत काम करती हैं ठीक है ट्वेंटी फोर सेवन ईच एंड एवरी डे उन्हें वीकेंड्स पे भी कोई ऑफ नहीं मिलता मतलब जैसे अगर कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं कोई नाइन टू फाइव जॉब कर रहा है कहीं पे भी अगर कोई काम कर रहा है तो उनकी वीकेंड्स पर छुट्टी होती है लेकिन एन्जॉय देम सेल बट हमारी मदर्स ट्वेंटी फोर सेवन हमारे लिए ही काम करती रहती हैं हमारी केयर करती हैं एंड इन रिटर्न कभी कभी हम भूल जाते हैं उन्हें थैंक यू करना एंड एट टाइम्स हम लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं एंड अपनी मदर्स की केयर नहीं करते तो वही मैसेज उन्होंने हमें दिया है ट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए एंड ये मैसेज उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में दिया है ये प्ले जो है इसमें एक फैमिली है फैमिली है पियर्सन फैमिली है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको प्ले के करेक्टर्स एक्सप्लेन करती हूं सेटिंग आप पढ़ सकते हो कैसी सेटिंग है एक ड्रॉइंग रूम है बीच में टेबल है एंड ऑल दैट ठीक है तो फैमिली है पियर्सन फैमिली तो सबसे पहली करेक्टर है मिसिज एनी पियर्सन ये क्या है ये मदर हैं दो बच्चों की दोनों बच्चों का नाम है डोरिस और सिरल डोरिस लड़की है सिरल लड़का है एंड ये जो मदर है ये ऑलमोस्ट फोर्टी ईयर्स की हैं ठीक है थीके? और ये काफ़ी मीक और सबमिसिव है मीक और सबमिसिव मतलब बहुत ही जेंटल सी हैं बहुत ही मतलब कि सब बातें मान जाती हैं इनकी पर्सनैलिटी ऐसी डोमिनेटिंग से नहीं है ये अपने बच्चों की सारी बातें मानती रहती हैं चुपचाप पूरा दिन घर का काम करती रहती है कौन मिसिज एनी पियर्सन दूसरे हमारे जो करेक्टर है वो है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन ऑब्वियसली एनी पियर्सन के हस्बैंड तो जॉर्ज पियर्सन है वो कैसे हैं वो फिफ्टी ईयर्स के एक मैन है और ये जो है काफ़ी मोटे से हैं और ये भी अपनी वाइफ़ की यानी कि मिसेज एनी पियर्सन की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं बस रोज़ रात को क्लब चले जाते हैं खेलने के लिए गेम्स वगैरह और अपनी वाइफ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और इनके जो क्लब के लोग हैं वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं पोम्पी ओम्पी उनको बोलते हैं कि वो बहुत फैटी से हैं बट स्टिल वो रोज़ क्लब जाते रहते हैं खेलने के लिए अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं देते तो ये हस्बैंड वाइफ पढ़ लिया दे नेक्स्ट करेक्टर है हमारा डोरिस पियर्सन ये 20 इयर्स ओल्ड की मिसेस एन पियर्सन एंड मिस्टर जॉर्ज पियर्सन की बेटी है और इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसके बारे में हमें चैप्टर में पता चलेगा और ये भी बिल्कुल अपनी मदर की केयर नहीं करती है नेक्स्ट कैरेक्टर है सरल पियर्सन ये कौन है एन पियर्सन एंड जॉर्ज पियर्सन का बेटा ये भी बिल्कुल भी अपनी मदर की केयर नहीं करते हैं ठीक है है मिसेज फिट्स गिराल अब ये फिज्स ग्राल कौन है पड़ोस वाली आंटी है फिज गिराल जी ठीक है तो ये जो फिज्स गिराल है ये पड़ोस वाली आंटी है और ये काफी बोल्ड पर्सनैलिटी की स्ट्रॉन्ग विल्ड है एंड ये एनी पियर्सन की अच्छी फ्रेंड है ठीक है और ये ना बहुत तरस खाती है एनी पियर्सन की हालत देख के इन्हें पता है कि जो एन पियर्सन है इनके घर में जो इनके बच्चे हैं इनके हस्बैंड बिल्कुल भी केयर नहीं करते ट्वेंटी फोर सेवन उनके लिए काम करती रहती है बट बच्चे और जो हस्बैंड ने है बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं एनी को तो ये बहुत समझाती हुई एनी को कि तुम्हें इस तरीके से उनकी सब बातें मानना बंद करना पड़ेगा तुम्हें घर की बॉस लेडी की तरह रहना पड़ेगा वरना ये तुम्हें निगलेक्ट ही करते रहेंगे तो फिजकिल काफ़ी हमेशा समझाती रहती है एनी को और इस चैप्टर

फैमिली मेम्बर्स उन्हें निगलेक्ट करना बंद कर दे उन्हें फोगान्टेड लेना बंद कर दे उनके बच्चे और उनके हस्बैंड और उन्हें प्यार से रिस्पेक्ट्स देना शुरू करे और अच्छे से वो फैमिली में रहें ठीक है तो शुरू होता है हमारे को कॉन्वर्जेसन दे है एनी पर्सन की और फिज के की तो फिज़ केाल जो है एनी पर्सन को कह रही है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फॉर्चून बता सकती हूँ ठीक है तुम्हारा फ्यूचर में तुम्हें बता सकते हो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है तुम्हारा फ्यूचर बुरा भी हो सकता है ये तुम्हारे पर ही डिपेंड करता है तुम्हें अपनी घर की बॉस लेडी बनना शुरू करना पड़ेगा अगर तुम ऐसी रहती रही तो तुम्हारा फॉर्चून अच्छा नहीं होगा तो एन पियर्सन बहुत सबमिसिव सी है फोर्टीर्स की है ये और ये बहुत सबमिसिव की है और बिल्कुल इनकी अपोजिट हैं ये काफी स्ट्रॉग वुमेन है ठीक है और इन्हें जादू भी आता है तो ये एक तरीके से जो है एन पियर्सन कहती है कि मैं कितनी लकी हूं कि मेरे घर के बराबर में कितनी अच्छी फॉर्चून टेलर है बट जो आप कह रहे हो वो मैं नहीं कर सकती आप मुझे कहती हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो है थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करूं उनकी सारी बातें ना मानू उनको थोड़ा बॉस लेडी बनकर दिखाऊं बट ये कहने में बहुत आसान है मैं सब कर नहीं पाती हूँ जो एन पियर्सन है ना अपनी एक्सप्लेनेशन देती है किसको जाल क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि मैं अपने बच्चों से थोड़े रूडली रिएक्ट करूं तो ये मुझे अच्छे से डील करने लगे बट मैं ये सब कर नहीं पाती फिज गिज एंड पियर्सन को एडवाइस करती हैं कि तुम घर में बॉस की तरह या फिर स्ट्रिक्ट रहना शुरू करो और अपनी फैमिली को थोड़ा स्ट्रिक्टली डील करना शुरू करो ऐसा नहीं है कि जो वो तुम्हें कह रहे हो तुम कर रही हो बिकॉज इस तरीके से तुम अपनी फैमिली को भी स्पॉइल कर रही हो ये तुम्हारी फैमिली के लिए भी सही नहीं है कि वो इतने ग्रोन अपरीके से जो है रिएक्ट कर रहे हैं तो मैं एंड पियर्सन कहती है कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ मैं काफी बार उन्हें हिंट्स भी देती हूँ बट मुझसे कुछ नहीं होता है तो जो है मिस फिजाल कहती है कि अब हिंट्स देने से कुछ नहीं होगा अभी तुम्हें कुछ सॉलिड करना होगा तो जो है सडनली अब मिस एनपियन कहती है जो बच्चों की मम्मी कहती है अरे और बच्चे भी घर आने वाले होंगे और मैंने कुछ रेडी भी नहीं कराए तो आप देख सकते हो वो अभी से ही जो है उनको टेंशन हो गई है कि उनके बच्चे घर आने वाले हैं और उन्होंने उनके लिए टी नहीं बनाया उनका सामान रेडी नहीं करा है तो मिस फिजाल कहती है आज से ही शुरू कर दो तुम जो है उनको उनका काम उन पर छोड़ दो स्टॉप केयरिंग फॉर दे मैं ऐसे करना बंद करो तो जो है एनपियर्सन कहती है दैट मुझसे नहीं हो पाएगा ये मैं आज आपको प्रॉमिस कर दूंगी बट मुझसे नहीं हो पाता ये सब तो जो है मिस फिजाल कहती है अच्छा ठीक है अगर तुमसे नहीं हो पाता ये कि तुम अपनी फैमिली को जो है थोड़ा स्ट्रिक्टली रहो और उनको समझाओ दैट दे टेक देख फॉर ग्रांटेड तो लेट मी डू इट मैं कर देती हूं तुम्हारे लिए तो मिस पियर्सन कहती है नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा मेरी फैमिली को भी कि आप जो है हमारी फैमिली मैटर में बोलो या फिर आप उन्हें समझाओ तो मिस फिजाल कहती है कि नहीं नहीं मैं मिस फिजाल बनकर उन्हें नहीं समझाऊंगी मैं तुम बन के उन्हें समझाने को तो ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूजिंग सी लगती है उनको और यही हमारे चैप्टर की सबसे एक डिफरेंट चीज़ है क्या है दैट मिस फ़िजगिजाल जो है उनको मैजिक आता है तो वो मिस एंड पियर्सन को कहती हैं कि मुझे मैजिक आता है अगर तुम चाहो तो हम अपनी पर्सनैलिटी एक्सचेंज कर सकते हैं मैं कुछ मंत्र बोलूँगी और उससे हमारी जो है पर्सनैलिटी एक्सचेंज हो जाएगी यानी कि हमारी बॉडी बिल्कुल सेम रहेगी बस हमारी सोल एक्सचेंज हो जाएगी तो मेरी बॉडी में आ जाओगी और मैं तुम्हारी बॉडी में ठीक है और इस तरीके से मैं तुम्हारी जो फैमिली है उससे डील कर सकती हूं अगर तुम कहो तो वी कैन डू इट ठीक है तो अब ऐसा ही होता है जो मिस फिज गिजाल है एंड मिसेस एंड पियर्सन दोनों जो है पर्सनालिटी स्वैप कर लेती हैं दोनों एक दूसरे का हाथ पड़ती हैं और ये जो है हमारी मिसिस फिथ गजाल ये कुछ मैजिकल वर्ड्स चैंड करती हैं और पर्सनालिटी स्वैप हो जाती है तो ये हो गया मैजिक हमारे चैप्टर में दोनों की पर्सनैलिटी स्वैप हो जाती है अब मिस फ़िज गिजाल की बॉडी के अंदर कौन है एंड पियर्सन आप कन्फ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी और एंड पियर्सन की बॉडी के अंदर कौन है वो वो जो स्ट्रिक्ट वाली लेडी है ना बहुत ही कूल स्ट्रॉन्ग वाली लेडी मिस फिट गिजाल ठीक है तो अब बच्चों को और पापा को ना लाइन पर लेकर आने वाली है कौन मिस एन पियर्सन जो अभी एक्चुअली में जिनके अंदर कौन है मिस फिथ गिजाल्ट है तो इलेटे सी चैप्टर आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो जैसी पर्सनैटी स्वैप हो जाती है तो एन पियर्सन जो अभी फिथ गिजाल की बॉडी के अंदर है डर जाती है क्योंकि अरे मेरे हस्बैंड ने या बच्चों ने अगर मुझे ऐसे देख लिया तो क्या होगा तो मिस फिजाल कहती हैं यानी कि जो अभी एन पियर्सन है वो कहती है कि तुम अभी घर जाओ ऐसा कुछ नहीं होगा मैं जो है अब तुम्हारी हेल्प करूंगी तो मिस एंड पियर्सन कहती है कि अगर ये वापस नहीं हुआ अगर हमारा पर्सनैलिटी स्वैप जो है ये वापस से नहीं हुआ तो मुझे आपकी लाइफ में ही रहना पड़ेगा तो जो मिस फिजाल है जो एक्चुअली में अभी मिस पियर्सन है, है वो एक जोक मारती है कहती है हाँ एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ अगर तुम तो मेरी लाइफ जियोगी तो एटलीस्ट वो तुम्हारी लाइफ से बेटर होगी एंड विद दिस जो है वो उनको कहती है कि अभी तुम थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ यानी कि मेरे घर चले जाओ वहाँ जाओ और थोड़ी देर बाद वापस आ जाना ठीक है सो अब हमारा मेन सीन स्टार्ट होने वाला है चैप्टर का अब जो है मिसिस फिजकाल जो है मिसिस पियर्सन की बॉडी में आ गई है और वो एज पियर्सन जो हैं उनकी फैमिली को एक हार्श ट्रीटमेंट देंगी ठीक है तो अब जो रियल वाली मिसेस पियर्सन है वो तो घर चली गई मिसेस फिजाल के अब घर में कौन बैठा है मिसेस फिजाल किसकी बॉडी में मिसेस पियर्सन की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर लेटेस्ट बिगेन द नेक्स्ट सीन तो जैसे नेक्स्ट सीन शुरू होता है अब डॉरस जो है बेटी किसकी मिसेस पियर्सन की वो घर आती है वो बीस साल की है उसका एक बॉयफ्रेंड भी है और वो भी अपनी मदर से कभी भी अच्छे से बात नहीं करती है तो जैसे ही वो घर आती है तो जैसे ही वो घर आती है सार अपनी मदर्स को ऑर्डर देती थी ना कि मम्मी मेरा वो काम कर दो वो काम कर दो मेरी येलो वाली ड्रेस रेडी है नहीं आते सार घर में उसने देखा भी नहीं कि उसकी मदर कहाँ है ना ही उन्हें ग्रीट करा और आते सार कहती है मदर मेरी वो येलो वाली ड्रेस कहाँ है आपने रेडी करी या नहीं करी इतना वो बोलती है दैट सडनली उसकी नज़र पड़ती है अपनी मदर पर कि वो एक्चुअली में करके आई हूँ और वो देखती है कि मेरी मदर तो बैठ के पत्ते खेल रही हूँ और स्मोक कर दिया मदर को स्मोक करते हुए नहीं देखा था क्यों नहीं देखा था आप तो समझ गए हो कि भाई उसकी मदर की बॉडी में एक्चुअली में अभी कौन है मिसेस विद गिजाल है पर्सनैलिटी स्वैप हुई है और मिस विजाल की आदत है स्मोक करना तो वो हैरान होकर अपनी मदर से पूछती है आप क्या कर रहे हो तो मिस पियर्सन ठीक है अब मैं मिसेस पियर्सन ही बोलूंगी, बट तुम समझ जाना दैट एक्चुअली में वो मिसिस गिजाल है तो मिस पियरसन जवाब देती हैं क्या कर रही हूँ व्हाइट वॉश थोड़ी कर रही हूँ व्हाइट वॉश मतलब पेंट थोड़ी कर रही हूँ सीलिंग को देख लो क्या कर रही हूँ मैं तो डॉरिस को बड़ा जीब लगता है कि मेरी मदर मुझे कैसे जवाब देनी है कहती है हाँ आई नो यू आर स्मोकिंग बट क्या स्मोकिंग क्यों कर रही हो आप तो अब मिस पियरसन रिप्लाई करती हैं कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट द लॉ ये अगेंस्ट द लॉ तो नहीं है इट इज़ अलाउड कोई भी स्मोक कर सकता है इसलिए मैं स्मोक कर रही हूँ फिर डोरिस कहती है कि बट आप आज तक तो स्मोक नहीं करते थे आज आप कैसे स्मोक कर रहे हो तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ अब से मैं स्मोक करूंगी ठीक है अब इतनी बात खत्म होती है डॉरिस तो अभी एक शॉक में है और फिर पूछती है अपनी मदर से कहती है कि हम चाय कहाँ पीने वाले किचन में पियेंगे क्या हम चाय क्योंकि उसे अपने सामने चाय बनी हुई नहीं दिख रही थी एंड यूजली उसकी मदर जो है चाय रेडी करके रखती होंगी तो वो कहती है कहाँ पियेंगे हम चाय किचन में पीने वाले हैं क्या तो अब मिसेिस कहती है तुम्हारा जहां मन हो तो वहाँ पी सकती हो तो अब डोरिस को समझ में आता है कि चाय अभी तक रेडी नहीं है तो अपनी मदर से पूछती है आप क्या कह रहे हो कि आपने अभी तक चाय रेडी नहीं करी है तो मिसेस पियर्सन कहती हैं दैट तो मैंने अपनी चाय तो पी ली है तो मैं अपने आप बनानी है अपने आप बना के पी लो और शायद मैं कुछ देर बाद जो है बाहर चली जाऊँ क्लैरन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए तो ये सब डोरिस को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि उसकी मदर ने उसके लिए चाय नहीं बनाई और वो कह रही है कि वो बाहर खाना खाने जाएंगी तो अपनी मदर से कहती है वॉट हैपन टू यू समथिंग लाइक दैट वो पूछते कि आपको क्या हुआ है और डोंट बी सो सिली आप ऐसे सिली तरीके से रिएक्ट मत करो मैं अभी अभी बाहर से काम करके आई हूँ और मुझे फिर से बाहर जाना है और, और मैं इतनी देर थक आई हूं, के आई हूँ काम करके आई हूँ और आपने अभी तक मेरी येलो ड्रेस भी रेडी नहीं करी है सिल्क रेडी नहीं करा मुझे वो प्रेस करी भी चाहिए अपनी मदर को ऐसे बोलती है तो मिसिस पियर्सन कहती है अच्छा अगर तुम्हें येलो ड्रेस प्रेस करी भी चाहिए तो उसे खुद प्रेस कर लो फिर कहती है वो उनकी बेटी की नहीं आप मुझे करके दोगे तो फिर आप मिसेस फियरसन कहती हैं कि अगर तुम्हें ड्रेस चाहिए तो अपने आप जो है उसको प्रेस कर लो और तुम तो मुझे ये सब लेक्चर मत दो कि तुम बहुत देर बाहर जाके काम करके आई हो तुम बहुत थकी हुई हो मैं घर में तुम्हारे से ज़्यादा काम करती हूँ एंड इवन मुझे जितना काम मैं करती हूँ उसके लिए कोई सैलरी भी नहीं मिलती है नो वेजेस पर मैं घर में सारा दिन काम करती रहती हूँ और फिर मिसिस पियर्सन अपनी बेटी से पूछते हैं दैट वाई डू यू नीड द येलो ड्रेस क्यों चाहिए तुम्हें येलो ड्रेस तो वो कहती है उनकी बेटी डॉस कि मुझे चार्ली के साथ घूमने जाना चार्ली कौन है डोरेस का बॉयफ्रेंड है तो जैसे ही वो कहती है

अपनी बेटी को कहती है दैट अगर मैं तुम्हारी एज की होती तो मैं ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती वो काफ़ी स्टूपेड है उसके बकतीत हैं तो तो मैं ऐसे लड़के को फ्रैंकली कहूँ तो मैं तो डेट नहीं करती जिसको तुम डेट करियो और ऐसा बिहेवियर अपने स्ट्रेंज बिहेवियर देख के अपने मदर का और उसकी मदर ने उसे डांट भी दिया था चाय बनाने को भी मना कर दिया प्रेस करने को कपड़े भी मना कर दिया ऊपर से उसकी इंसल्ट भी कर दी कि उसका अजीब सा बॉयफ्रेंड है तो ये सब देख के डॉरिस काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से उस रूम में से रोती हुई बाहर चली जाती है तो जो है डॉरस को तो अपना ट्रीटमेंट गाइस मिल गया है अब आता है उनका बेटा सिरिल ठीक है तो अब देखते हैं कि जैसे ही सिरिल आता है तो क्या होता तो है तो सिरिल घर आता है यानी कि एन पियर्सन का बेटा घर पे आता है और वो भी आते हैं सर जो है डॉलिस की तरह मदर से क्वेश्चन करना शुरू कर देता है आपने ऑर्डर देना शुरू करता है सिरिल आते सार कहते हैं कि मदर चाय बन गई है या नहीं बन गई है तो मिसेज एन पियर्सन सिंपली रिप्लाई करती है कि नहीं चाय नहीं बनी है तो सिरिल जब सुनता है कि मदर ने चाय नहीं बनाई है तो पूछता है अपनी मदर से क्या हुआ आर यू ऑफ कलर से आपका मूड खराब है तबियत खराब है इसलिए आपने चाय नहीं बनाई तो जो है एन एनपियर्सन कहती है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आज से पहले मैं कभी इतना अच्छा फील नहीं करा आ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ तो फिर पूछते हैं तो फिर आपने चाय क्यों नहीं बनाई तो मैसेज एनपियर्सन रिप्लाई करती है जस्ट अ चेंज तो वो अपनी मदर को कहता है स्नैप आउट ऑफ तो इट प्लीज़ मम्मा ऐसे मत करो आ, आपको वैसे ही पता है मुझे इतनी देर हो रही है मुझे फिर से बाहर जाना है तो जल्दी करो और फिर अपनी मदर से एक और इंक्वायर करता है बात कहता है कि आपने मेरे कपड़े रेडी कर दिए या नहीं मैंने आपको सुबह बोला था कि मेरे कपड़े चेक कर लेना और कुछ मेंडिंग करनी होगी यानी कि कुछ प्रॉब्लम होगी उनमें मेंड करना होगा तो आप कर दोगे करा है

मुझसे ऐसी ही बात करते हो तो वो जैसा तुम तो लोग मुझसे बात करते हो वैसे ही मैं से अब है। है, suddenly इसी समय डॉरस अंदर आ जाती है, कि वहीं पे आ जाती है और डॉरस जो है, है, है क्योंकि और अभी वो ड्रेस हो रही होती है उसने अभी तैयार नहीं हुई होती है तो उसने एक शोल्डर रैप पहना होता है राउंड और उसका काफी अजीब सा फेस हो रखा होता है तो जो है उसको देखकर अब फिर से एनपियस ने कमेंट करती है कि ऐसी शक्ल के साथ में तो चार्ली स्पेंसर के साथ में भी डिनर डेट पे ना जाऊं तो समझ कि वो इतनी ऑफुल लग रही थी इस समय में तो वो उसको टोंट करती है कि अच्छा ठीक है चार्ली स्पेंसर स्मार्ट नहीं है अच्छा नहीं है बना रखा है ऐसे फेस के साथ लेकर डेट पे ना okay, तो तो तो, को जो है, चार्ली नहीं जाऊंगी क्योंकि इस समय है रोई भी काफी अजीब सी लग रही थी तो डॉरिस और जो है एन पियर्सन की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाए डोरिस कहती है कि आप मेरी जो हालत है ना वो आपकी वजह से तो सिरिल पूछता है क्यों क्या हुआ मम्मी ने क्या है तो एन पियर्सन जो है इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती

तो हाँ मेरे साथ भी ऐसे ऐड करिए तो डोरिस कहती है मुझे तो डर लग रहा था कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो गई हो इसलिए वो मेरे से ऐसे सेड करिए जैसे कभी अगर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आप सिबलिंग्स हो तो भाई बहन होते हो या भाई भाई हो तो आपको लगता होगा कि अगर मम्मी को उससे मेरी रियाड करिए तो कहीं मुझसे कोई गलती ना हुई हो तो डोरस भी ऐसे ही पूछती है कि मुझे लगा मेरे से कोई गलती हो गई इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं तो सिरल कहता है नहीं मेरे साथ भी ऐसा ही करा कोई चाय नहीं बना के रखी हुई है टी रेडी नहीं और मैंने पूछा आपका मूड खराब है तो कह रही है मैं तो बहुत अच्छा मूड है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी मदर को क्या हो गया तो डॉरिस कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर के सर पर कुछ लग गया है इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर गया है तो सिरल पूछता है डू यू थिंक शीज़ बारवीं बारहवीं मतलब मैट तुम्हें क्या लग रहा है मदर पागल हो गई है तो दोनों ही हंसने लग जाते हैं धीरे धीरे है। और फिर दोनों ये डिस्कशन करते हैं कि अगर फादर के आने पर यानी कि जब उनके फादर घर पर आएंगे तब भी उनकी मदर ऐसे रिएक्ट कर रही होंगी तो कैसा सीन होगा उनके घर में तो सिरल कहता है कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो तो रही है ये सोच के कि मदर अगर फादर के सामने भी ऐसा रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं घर में ही रहने वाला हूँ तो यू कैन सी हेयर कि उनके बच्चे कैसे हैं उनको ये लग रहा है कि फादर जो है घर पर आकर अगर मदर को डांटेंगे सब बिहेवियर के लिए तो उन्हें वो इंजॉय करना था तो अब क्या होता है मिसेस पियर्सन जो है, की, की है। दोनों भाई बहन गीगल करके रहे होते हैं तो वो उनसे पूछती भी अलाउड नहीं है तो जो है उनकी मदर कहती है अच्छा मुझे बताओ तुम किस बात पर हंस रहे हो तो जो है वो कहते हैं कि आप हमारे जोक्स को नहीं समझ पाओगे तो वो फिर से उन्हें टॉन्ट करती हैं कि मैं तुम्हारे जोक्स को समझ सकती हूँ एंड ऑल दैट एंड अपनी मदर से पूछते क्या हुआ मेरे से कुछ गलती हो गई है क्या जो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो तो एंड पियर्सन कहती है नहीं वही सब तो, कर रहे हो, तो जो हमेशा कर तो करते हो तुम हमेशा तो तो आप मेरे लिए चाय नहीं बना रहे हो तो मैं अपने आप जाके कुछ खाने को बना लूंगा और एन पियर्सन रिप्लाई करती है अपना स्टाउट पीते बियर पीते हुए हाँ हेल्प योर सिर्फ जाओ जो बनाना है बना के खा लो तो ये उसको काफी शॉकिंग लगता है उसे लग रहा था अपनी मदर को इमोशनल कर देगा ये कि वो खाना बना देंगे बट एन पियर्सन कहती है नहीं अपने आप जाके जो के खाना है खा लो और जाते जाते बोलता है कि एट आर सर हम लोग तो आठ घंटे दिन के काम करते हैं और अब घर आके भी हमें काम करना पड़ेगा का। अब जैसे ही वो दोनों बच्चे ये बात बोलते हैं तो एंड पियर्सन कहते हैं एट आर सर तुम लोग एट आवर्स अगर डे काम करते हो मैं से करते तो से ज्यादा काम करती हूँ मैं तो दो छुट्टी भी मिलती है वीकेंड्स पर बट मुझे तो वीकेंड्स पर कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है और जो है अपने बच्चों को कहती है अब आगे से जो है मैं भी वीकेंड्स पर छुट्टी ले लिया करूँगी और मैं बाहर चली जाया करूँगी घूमने के लिए अब सीरियल जो है किचन में चला जाता है और डोरिस अपनी मदर से पूछती है वट यू मीन आप वीकेंड्स पे छुट्टी पे जाओगे कहाँ जाओगे आप तो जो है हैंड पियर्सन कहती है मैं बहुत ओल्डर हूँ मैं काफ़ी बड़ी हूं इतनी समझदार हूं मैं मेरा जहाँ मन होगा जाने का मैं चली जाऊँगी तो डॉरिस को टेंशन हो गई है कि उसकी मदर अगर वीकेंड्स पर छुट्टी पर चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा तो डॉरस पूछती है आप कुछ काम नहीं करोगे वीकेंड्स पर तो एंड पियर्सन कहती है नहीं शायद थोड़ा बहुत मैं बेड की बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दूँ और अगर तुम लोग मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो शायद मैं वीकेंड्स पर खाना बना के कहीं बाहर घूमने चली जाऊँ तो डॉस पूछती है मदर आपको क्या हुआ है आपके सर पर कुछ चोट वोट तो नहीं लगी है कुछ हिट तो नहीं कर गया आपको तो हैंड पियर्सन कहती है शट आप मैं तुम्हारे को हिट कर दूंगी अगर दोबारा

कि अच्छा मेरे लिए चाय मत बनाना मैं तुम्हें बताना भूल गया था मैं क्लब जा रहा हूँ तो मैं चाय नहीं पीऊँगा तो एन पियर सिंह कहती है डजन बॉर्डर कोई बात नहीं मैंने तो वैसे भी चाय नहीं बनाई है अब ये बात सुन के जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है कि एन ने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई है तो आप यहाँ पर जो है सिचुएशन को समझो जॉर्ज को चाय पीनी ही नहीं है उसका कोई मन नहीं है चाय पीने का वो क्लब जा रहा है बट फिर भी उसे इस बात से प्रॉब्लम हो गई इस बार पर गुस्सा है कि मेरी वाइफ ने अभी तक चाय बनाई क्यों नहीं थी फिर अपनी वाइफ को बोलते अगर मुझे चाय पीनी होती तब तब तुम क्या करती तो वो कहती है उनको भी फिर अब यहाँ पे एन पीयर सिंह थोड़ी है फिर है पर्सनलिटी स्वैप्ड है तो फिर बोलती है ओ माय गॉड करके बोलती है कि क्या कभी ये चीज तुमने अपने क्लब में ट्राई करी है कि तुम उनसे गुस्सा हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए बियर नहीं डाली बट एक्चुअली में तुम्हें बियर पीनी भी नहीं है अगर तुम ऐसा रिएक्ट अपने क्लब में जाके करोगे तो वो तुम्हारे पर और ज्यादा हंसेंगे जितना अब हंसते हैं उससे भी तो एक तरीके से वो उन्हें यह कह रही है कि तुम्हारे क्लब के मेबर्स तुम्हारे पे हंसते हैं तो ये बात सुन के जॉर्ज फियरसन कहते हैं वट यू मीन मेरे क्लब के मेंबर्स मेरे पे और ज्यादा हंसेंगे मेरे पे तो कोई नहीं हंसता है क्लब में तो एन कहती है नहीं नहीं तुम्हारे पे जो है तुम्हारे क्लब में सब लोग हंसते हैं तुम्हें नहीं पता है पर तुम्हारे क्लब में सब लोग तुम्हार को पीछे से क्या बोलते हैं पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कि तुम इतने मोटे से और हर रोज क्लब आ जाते हो तो इस बात को लेकर क्लब में जो है तुम्हारा जो है सब लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं अब जॉर्ज जो है उसको बिलीव ही नहीं होता है कि जो है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्लब में वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता है कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता है क्लब में पीछे से मैंने अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि मैं तो कभी ऐसी जगह पर ना जाऊँ जहाँ पे लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हो तो जॉर्ज को बिलीव नहीं होता कि उनके जो है क्लब में लोग उनका पीछे से ऐसे मजाक उड़ाते हैं तो जो है अभी जो है सीन क्या होता है दैट सीरियल जो है फिर से वहाँ पे रूम में एंटर करता है उसके हाथ में एक दूध का ग्लास होता है यानी कि मिल्क का ग्लास होता है साथ में एक केक होता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है कुछ नहीं मिलता तो वो वही खा रहा होता है तो अब जॉर्ज अपने बेटे से पूछते हैं सिरल क्या मेरे को जो तुम भी मेरे साथ कई बार क्लब गए हो क्या पीछे से क्लब में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मुझे पोम्पियो एम्पी पियर्सन बोलते हैं सिरिल कहता है यस दैट सब आपके लिए पीछे से ऐसे बोलते हैं और जैसे ही जॉर्ज को ये बात पता चलती है कि हाँ सच्ची में क्लब में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं पोम्पियो एम्पी पियर्सन बोलते हैं तो ये बात सुन के जो है उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई चोट लग गई है गहरी और वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं कौन जॉर्ज पियर्सन अब जो है सीरियल अपनी मदर को यानी कि एन पियर्सन को जो एक्चुअल में मिसेज फिजाल है उनको कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा ही कर दिया है आपको फादर को ये नहीं बताना चाहिए था कि लोग उनके बारे में पीछे से ऐसी बातें करते हैं अगर उन्हें पता चला है आप तो उन्हें बुरा लग रहा होगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था तो मिसेज पियर्सन कहती हैं यानी कि एन पियर्सन अपने बेटे को कहती हैं जो एक्चुअल में फिज्स गिजाल है कि तुम्हें नहीं पता है कई बार जो है लोगों को सच्चाई बताना अच्छा होता है तो जो है सीरियल कहता है आई डाउट इट मुझे नहीं लगता कि आपने जो करा है वो ठीक है तो अब एंड फिर अब फिर सीरील के पीछे पड़ जाते है. तुम डाउट करोगे मेरे पे तुम्हारे को खुद कोई नॉलेज नहीं है तुम पूरा दिन जो है अपने पैसे बर्बाद करते, करते रहते हो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो इधर उधर रेसेस में जाके आई डोंट थिंक सो कि तुम मुझे एडवाइस दे सकते हो मैंने जो करा बिल्कुल ठीक करा तुम्हारे फादर को सच बता के तो आप यहाँ फैमिली की सिचुएशन देख सकते हो डोरिस की भी डांट पिट गई सीरियल की भी पिट गई और जो फादर हैं वो भी जाके साइड में बैठ गए क्योंकि वो परेशान हैं दट उनका क्लब में मजाक उड़ाया जाता है एंड देन सडनली जो है उनके घर पर दरवाजे पर नॉक नॉक की आती है। तो सिरिल कहते है अरे मेरे से कोई मिलने आया होगा एंड सीरियल से तो सिरिल जो आप अपनी मदर को आवाज जो अभी है नेक्स्ट डोर से तो आप समझो यहाँ सिनेरियो हो वहां मिसेज है उसकी मदर की पर्सनैलिटी में और वो उन्हीं को कह रहा है दैट सिली ओल्ड बैग है नेक्स्ट डोर से आप आपको उनसे मिलना है आई डोंट थिंक आपको मिलना होगा तो अब मिसिस एंड पियर्सन जो एक्चुअली मिसे रिप्लाई करती है सीरियल को नहीं मुझे उनसे मिलना है अंदर आने दो उनको और वो कोई सीरी ओल्ड बैग नहीं है उनमें तुम्हारे से बहुत ज्यादा समझ है तो अब हमारा नेक्स्ट सीन कंटिन्यू होता है जब एंड पियर्सन मिसेस फिजाल जो है दोनों आमने सामने हैं बट एक्चुअली में उनकी पर्सनैलिटी स्वैप्ड है तो लेटेस्ट सी क्या होता है तो रियल वाली मिसेस पियर्सन घर आ गई हैं और जैसे ही वो घर पे आ गए सीनारियों देखती हैं कि, कि किस तरीके से जो है मिसेस फिजजाल उनकी पूरी फैमिली को डांट रही है डोरिस ऑलमोस्ट रोने को तैयार है एंड जब एक बारी बीच में जॉर्ज जो, जो है मिसेस पियर्सन पे यानी कि जो अभी मिसिस फिजाल है उन पर चिल्लाते हैं तो वो उनको कहती है कि मैं तुम्हें स्लैप कर दूंगी तो ये सब देख के वो बहुत परेशान हो जाती है और वो जो है मिसिज फिज्जाल को कहती है कि मुझे पर्सनैलिटी अब स्वैप करनी है अब मैं और ये सब नहीं करना चाहती हूँ तो वो जो है सबको बोलती हैं। यानी कि जो आप मिसेस फिजाल बनके जब वो वहाँ आई होती है ना तो वो बाकी सब अपनी फैमिली मेम्बर्स को बोलती हैं कि अगर तुम चाहते हो कि आपकी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ मुझे और अपनी मॉम को अकेला छोड़ दो तो ऐसे ही होता है बाकी फैमिली मेम्बर्स बाहर चले जाते हैं और मिसिज फिजाल और एंड पियर्सन दोनों अकेले होते हैं रूम में और जो है वो डिसाइड करते हैं डेट अब वो फाइनली पर्सनैलिटीज को फिर से स्विच कर लेंगे रियल एंड पियर्सन और मिसेज फिजाल रूम में अकेले हैं और वो उन्हें कहती हैं कि अब बस बहुत हो गया है मैं अपनी फैमिली को और मिजरेबल नहीं देख सकती हूँ अब हमें पर्सनैलिटी स्वैप करनी चाहिए तो जो हमारी रियल वाली मिसेस फिजाल्ट है यानी कि जो अभी एन पियर्यर्यर्यर्यर्यसन है वो कहती है कि नहीं अगर हम थोड़ी देर और ऐसा करेंगे तो आपकी फैमिली और ठीक हो जाएगी बट वो कहती हैं नहीं इंसिस्ट करती हैं कि नहीं अब मुझे फिर से पर्सनैलिटी स्वैप करनी है तो मिसेस फिजाल्ट अच्छी लेडी है वो पर्सनैलिटी को स्वैप कर देती हैं और वो दोनों आपस में अब अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ में चली जाती हैं okay, और फिर फिजाल जो है जाते जाते एन पियर्सन को अब पर्सनैलिटी उनकी चेंज हो गई है जाते जाते उनको एडवाइस करती है दैट अब तुम जो है अपनी फैमिली को कुछ एक्सप्लेन मत करना कि तुमने ऐसा याद क्यों करा और कभी सॉरी भी मत बोलना है सबके लिए और जो है बहुत फॉर्मली तुम उनसे जो करवाना हो उनसे करवा लेते है एट दी एंड जो है मैं अपनी तो तो मदर को देख रही होती एनशियसली कि उसकी मदर अब क्या बोलेगी तो एंड पियर्सन बोलती है कि अब जो है सारे फैमिली मेम्बर्स घर जब तुम्हें से कोई बाहर नहीं जा रहा है तो मेरे पास एक आइडिया है हम कुछ कर सकते हैं तो जाते जाते भी मिसेस फिजाल उनको एक वार्निंग सी देती है रिमेंबर कि जो है बहुत फॉर्मली भी नहीं बहुत सॉफ्ट भी नहीं जो कहना है सीधा कह दो तो जॉब बोलते हैं हाँ मदर बताओ क्या चाहते हो तुम कि हम हम क्या करें तो जो है मिसेस पेयरसन कहती है कि अब जब सब घर में रुकने वाले हैं सब घर में ही हैं रात को इकट्ठे तो नॉट कि हम लोग जो है एक फैमिली डिनर करें और रमी वाला गेम खेलें रमी एक कार्ड गेम होता है तो जो है जो सब लोग ये मान जाते हैं कहते हैं हाँ हम रमी वाला गेम खेल सकते हैं और जो है कहती हैं दैट नॉट जो दु, दोनों दु, बच्चे हैं वो जाके डिनर बना ले अपने दोनों बच्चों को कहती है कि तुम दोनों जाके डिनर बना लो मैं आराम से बैठ के तुम्हारे पापा से बातें करूँगी और फिर हम लोग रमी वाला गेम खेलेंगे और आपस में मज़े करेंगे और फिर डोरिस से पूछती है डोरिस आर यू ओके वित दट डॉरस तुम्हें ये प्लान कैसा लग रहा है तो डोरिस कहती है